आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम नई रेसिपी जो बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। ये रेसिपी दाल चावल से बनाई गई है। रेसिपी एकदम कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाती है और एकदम परफेक्ट तरीके से। फ्रेंड्स, मैं उषा फिकर कुक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल लिया, हाफ कटोरी चने की दाल ली है, 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, अदरक लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया, सूखे लाल मिर्ची लिए, करी लीव्स लिए, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर। तो मैंने दाल चावल, जीरा, लहसुन, अदरक और करी लीव्स और सूखे लाल मिर्ची को मिक्सर में डालकर अच्छा पाउडर तैयार कर लिया था। फिर उसे मैंने बैटर बनाया है। तो मैंने यहाँ पर बैटर बनाकर 5 घंटा पहले छोड़ दिया था उसे फॉर्मेट होने के लिए। तो हमारा बैटर यहाँ पर फॉर्मेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। तो इसमें 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल यूज किया है मैंने यहाँ पर। तो अब इसमें हम बैटर डालेंगे, दाल चावल का बैटर डालेंगे और इसे पैन में फैलाएंगे हम चिल्ला बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैला दिया है अच्छे से उसे। अब इसके ऊपर हम प्याज, चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ टमाटर और हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर धनिया भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ चॉप किया हुआ और इसे एक साइड सिकने तक पकाएंगे। और जब हमारा एक साइड ये सिक जाएगा तो हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। तो अब इसे हम दूसरी साइड पलट लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सिक कर ये रेडी हो गया है चिल्ला हमारा। जब ये दोनों साइड सिक कर अच्छा तैयार हो जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से हमारा सिक कर अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे चिल्लों को हम ऐसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे चिल्ले रेडी हो गए हैं बनकर। और मैंने हरा धनिया और टमाटर की घर में चटनी बनाई है तो उसके साथ सर्व किया है मैंने। और इस बनकर परफेक्ट रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।